जैसे शासन करना दूसरी चीज होती है, सेवा करना दूसरी चीज होती है। सेवा अगर आप परोपकार की भावना से करें तो वो सेवा जैसे सोना कुंदन बन जाता है, उसका कोई मोल नहीं होता है। और ये विशेषता है भारत की, किसी एक आदमी, एक नेता, एक महापुरुष के कारण ये देश यहाँ की मान्यताएं नहीं बनी है। सब अपना योगदान देते जा रहे हैं और इसी से देश महान बना है। राजनीतिक विश्लेषक एके मिश्रा। चलिए दीपक, ये भी जवाब दे दीजिए, एकदम सही सवाल है आपसे। हाँ बिल्कुल, मैं पता हूँ तुलना नहीं की गई थी, उन्होंने बोला था, बिल्कुल कहा था, कहा था प्रभु श्री राम की मूर्ति लग सकती है तो मेरी क्यों नहीं। जो मायावती ने यह बोला था, मैं ही देवी हूँ मुझे दान दो, ये उनके शब्द है, मुझे याद है, मैं ही देवी हूँ मुझे दान दो। डॉक्टर वंदना, स्थापित किया, आज वो गौशाला गांव गांव के ब्लॉक ब्लॉक और विलेज लेवल पे बहुत बार देखा भी है, गौ सेवा करते हुए बहुत बार देखा भी है, लेकिन ठीक है, डीएम को एक न्यूट्रल पत्रकार को सुनना बेहद जरूरी हो जाता है जब इस तरह के डिस्कशन होते हैं। वहाँ पे दीपोत्सव ऐसा, ठीक है ऋषि, वर्षों में कभी देखने को ही नहीं मिला। हाँ, आप वृंदावन और मथुरा जाए तो वृंदावन और मथुरा में जिस तरीके से कृष्ण जन्मोत्सव हुआ वैसा देखिए मिश्रा, अभी धर्म का जिक्र हुआ तो आपके चेहरे पर इतनी ज्यादा मुस्कुराहट क्यों आ गई? क्या आपको कहीं अली बजरंग बली तो याद नहीं आ रहा? क्रिमिनल्स को कंट्रोल किया गया, 5 लाख के ऊपर क्रिमिनल। ऋषि जी सुन लेते हैं, ऋषि जी ठीक है, ठीक है ऋषि जी, जिस हिसाब से महिमा मंडन हो रहा है ना, अब बीएसपी के जो ऋषि कपूर जी बोल रहे थे, सर नमस्कार आपको नमन है, मुझे लगने लगा शायद कल के अवतार समय के पहले ही हो गया है भगवान विष्णु का योगी जी के रूप में। श्रीमान जी देखिए, नेता हैं, दूसरों से अच्छे हैं, बेहतर है, सम्मान है इस चीज का, लेकिन ऐसी तुलना मत करिए, कृष्ण और राम इन सब चीजों को रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। देखिए योगी जी के बारे में मैं ये बोलना चाहूंगा ना कि एक ऐसा जुझारू नेता जो मुख्यमंत्री बना है, चक्रव्यूह में फंसे हुए आप अभिमन्यु की तरह अगर आप देखिए, जो तमाम तरीके की समस्याओं से जूझ रहा है, यूएसपी क्या है योगी जी की, वो हृदय से ये चाहते हैं कि ये जो उत्तर प्रदेश है, जो इसमें पोटेंशियल है, उसको पूरे मतलब इसकी भव्यता को निखार करके सामने लाया जाए। एक एडेड एडवांटेज ये है कि भाई फैमिली नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो इन सब जो है विचारों से मुक्त है, इसके लिए उनके ऊपर ज्यादा बिलीव किया जा सकता है। रही बात जहां चैलेंज की, ये सिद्ध करना कि योगी जी जैसा न हुआ न होगा, यानी न भूतो न भविष्यति, ये प्रश्न जो है अभी भविष्य के गर्त का है। इन्होंने स्टेप्स लिए हैं, बहुत सारी ये सुधार कर रहे हैं, भविष्य में क्या होगा, कितना होगा, कितना ये सक्सेसफुल होंगे, ये मुझे देखना होगा, लेकिन इतना जरूर माना जाएगा, देखिए भावना सबसे प्रबल होती है। आप छोटे से पद पे रहें, आप किसी भी बड़े पद पे रहें, अगर आपके अंदर देश से संबंधित जो हमारी पुरातन भावनाएं हैं, जैसे शासन करना दूसरी चीज होती है, सेवा करना दूसरी चीज होती है, सेवा अगर आप परोपकार की भावना से करें तो वो सेवा जैसे सोना कुंदन बन जाता है, उसका कोई मोल नहीं होता है। जैसे शासन करना दूसरी चीज होती है, सेवा करना दूसरी चीज होती है, सेवा अगर आप परोपकार की भावना से करें तो वो सेवा जैसे सोना कुंदन बन जाता है, उसका कोई मोल नहीं होता है। ये जो उनकी फीलिंग है, ये जो उनके आदर्श है, उनको दूसरे नेताओं से जो है अलग करते हैं, लेकिन भविष्य में ऐसा कोई होगा कि नहीं होगा, मैं बोलूंगा ये भी अतिशयोक्ति है। भारत की भूमि वीरों से खाली नहीं रही है, भविष्य तो आप छोड़ दीजिए, मैं पास्ट दिखा दूंगा, आजादी के बाद या आजादी के पहले तो ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिनके ऊपर हमारे पूरे देश को, सारे संप्रदाय को, सबको बहुत गर्व है। भारत की भूमि वीरों से खाली नहीं रही है, भविष्य तो आप छोड़ दीजिए, मैं पास्ट दिखा दूंगा, आजादी के बाद या आजादी के पहले तो ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिनके ऊपर हमारे पूरे देश को, सारे संप्रदाय को, सबको बहुत गर्व है। और ये विशेषता है भारत की, किसी एक आदमी, एक नेता, एक महापुरुष के कारण ये देश यहाँ की मान्यताएं नहीं बनी है। सब अपना योगदान देते जा रहे हैं और इसी से देश महान बना है। और ये विशेषता है भारत की, किसी एक आदमी, एक नेता, एक महापुरुष के कारण ये देश यहाँ की मान्यताएं नहीं बनी है। सब अपना योगदान देते जा रहे हैं और इसी से देश महान बना है। इसमें एक कड़ी आज आप योगी को भी मान सकते हैं। जो योगी थे और सत्ता में आकर बैठ गए, आप सुनिए आप और नाटक कर, अरे जो आपने एक प्रश्न उठाया उसका जवाब ले लीजिए ना, आपको गाय गलियों में दिख रही है ना, उसका जवाब तो ले लीजिए। अरे सुनिए मैम, सुनिए मैं निष्पक्ष बोलता हूँ। अरे बीएसपी के सर एक मिनट सुन रही है भाई, छुट्टा छुट्टा गाय घूम रही है, मैं मानता हूँ तकलीफ है,
योगी जी ने एक काम बढ़िया किया, ये जो जो गुंडे उनकी छुट्टा सांड हर सड़क पे घूमते थे उनको तो बांध दिया। ठीक है, नहीं यही नहीं, सुन लीजिए, ठीक है, और गुंडे रूपी छुट्टा शोर शराबा नहीं, नहीं 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 शोर शराबा नहीं, गाय के ऊपर भी लगा। एक मिनट, एक एक मिनट दिनेश जी, क्या इनका जो सवाल था कि देखिए स्लाटर हाउस बंद हुए उसकी वजह से गायें, आप कह रहे हैं कि गायें सड़कों पर घूम रही हैं, और क्या एक मिनट ऋषि जी, अरे रुक जाइए ना, अरे ऋषि कपूर जी रुक जाइए, ऋषि जी रुक जाएं, आप ऋषि जी रुक जाएं, जो एक दीनदयाल उपाध्याय नाम दिया उन्होंने, एक अरे ऋषि कपूर जी, अरे भाई ये भारत देश है, यहाँ पे आदमी पशु पक्षी जानवर गाय आपका हो गया, घूमेंगे निर्भीक होकर, आपका हो गया, क्या दिक्कत है आपको, ठीक है हो गया ना, सबका हो गया। दिनेश जी जल्दी अपनी बात पूरी करें, मुझे बाकी लोगों से सवाल है, ओके ठीक है, अरे एक एक मिनट, एक ठीक है, एक ठीक है, अगर आप उठाकर देख लीजिए राशि जी, अल्पना जी से पूछ लीजिए आंकड़ा, उन्होंने कहा सारे खेत खलियानों को चले, आप उत्तर प्रदेश की पैदावार पिछले वर्ष की देख लीजिए और इस वर्ष का आप दिखा लीजिए, रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, अगर चर गए होते तो उत्पादन कहां से होता अगर आपके, और दूसरी चीज, और सरकार ने किसी गाय और बैल को सड़कों पर नहीं छोड़ा है, सड़कों पर छोड़ने का काम किसानों ने किया था, उनको पता था कि अगर गाय हमारे बाहर भी है तो कोई उठाकर उनको स्लाटर हाउस में नहीं भेजेगा, और सरकार ने और कसाइयों ने गायों को बांध के घर में रखा हमारे छोड़ा, और उनकी व्यवस्था को बड़ा कर लेते हैं, अब कैनवास को बड़ा कर लेते हैं, डॉक्टर वंदना पांडे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके, डॉक्टर वंदना पांडे एक एक मिनट रुक जाइए, हाँ ठीक है ओके ठीक है, हो गया हो गया हो गया, ये उचित नहीं होगा। लेकिन मुझे इस बात पर एतराज है, डॉक्टर एच एस रावत ने कहा, एक शायद आप भी कुछ कहना चाहेंगे, हिंदुओं के कल्याण पर ही हम बात क्यों करें, जब सरकार ने नारा ही दिया सबका साथ सबका विकास, सब तो सबका विश्वास भी उसमें जुड़ गया, फिर हिंदुओं के कल्याण पर ही आपने फोकस क्यों किया, कल्याण हो तो फिर सबका हो, एक आप कुछ कहना चाह रहे हैं, देखिए है क्या वो, इसलिए कि जैसे जड़ होता है ना, हम लोगों ने अगर आप जड़ को पानी डालो तो सारे फल फूल पत्ते सब अपने आप पल्लवित होंगे, 80% पॉपुलेशन हिंदू है, अगर 80% पॉपुलेशन सुखी हो गई तो वो मिल करके बाकी के जो बचे हुए हैं ऑटोमेटिकली उनको ग्रो कर देंगे, आप ये देखिए केवल गुजरात महाराष्ट्र ग्रो कर गए हैं, कितने यूपी और दूसरे लोगों को नौकरी मिलती है, तो कहने का तात्पर्य यह है कल्याण सबका ऐसे ही होगा, और केवल हिंदुओं का ही नहीं हर भारतवासी का कल्याण हो विकास हो। मेरा डाउट एक चीज पे था, परसों भी मैंने आपसे डिबेट में ये बोला था, ठाकुर साहब सिंह बाबू साहब अभी बोल रहे थे जो बीजेपी के बैठे हैं, बोल रहे थे अब राम मंदिर के मुद्दे पे आप देखिए जो मेरा आक्रोश है, आक्रोश ये है, ये भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, आरएसएस भी चाहती है, बीजेपी भी चाहती है, संत महात्मा भी चाहते हैं, मुसलमान भी चाहते हैं, और विदेशों के लोग भी चाहते हैं कि राम मंदिर बने, लेकिन मैं एक छोटा सा श्लोक बोलूंगा, उद्यमे नहीं सिद्धांति कार्याणी न च मनोरथे, मन में सोचना मन में मनोरथ करना चाहना दूसरी चीज है, 25 साल में 25 ईंट तो आपने रखी नहीं, अब कोई बोल रहा था कि नहीं जी अब 5 साल के बाद बनेगा, अब 2 साल के, अरे कब तक टाल रहे हो सर, सब कुछ कर रहे हो जो जड़ है जिसपे आपने सरकारें बनाई, आप उसी के मामले में आप लोग टाल मटोल करते हो, ठीक है जी, हाँ। बनेगा वो 10 साल में बनेगा 20 साल में बनेगा हमें पता है, चलिए अरे नहीं हम राम मंदिर की डिबेट नहीं है ये, आप हिंदू बताइए, किसी भी धर्म का झंडा किसी रंग का प्रतीक नहीं होता, फहराता है आप इस तरह, अगर अगर किसी का हरा है तो दूसरे का हरा हो सकता है, किसी का भगवा है तो दूसरे का भगवा हो सकता है, किसी का लाल है तो हो सकता है, तिरंगे में केसरिया भी है, तिरंगे में सफेद भी है, तिरंगे में हरा भी है, तिरंगे में अशोक चक्र भी है, संकुचित है आप, उसे डिफेंड नहीं करते, ना 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 संकुचित मानसिकता है आपकी, संकुचित मानसिकता है आपकी, एक धर्म का कोई रंग होता है क्या, उठाना पड़ेगा, रुक जाइए, नहीं डिफेंड कर सकते, धर्म का एक ही रंग होता है, मैं आपको बता दूं, जिसमें सबका कल्याण हो, बिना जाति के, बिना पाति के, बिना धर्म के, बिना कोई जियोग्राफिकल बाउंड्री के, अब आपको अगर ये लगता है कि भाई भगवा रंग कर लेने से हम सबका कल्याण कर लेंगे तो कर लीजिए, उद्देश्य ये होना चाहिए, आप चाहे हरा करिए चाहे बिल्कुल, इवन मैं आपको ये बताता हूँ, नहीं 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 ऐसा नहीं है कि आप अपनी खुशी का इजहार करने के लिए मूक संकेत दो पाकिस्तान का, मैं ये भी बोलता हूँ कि जितनी क्षेत्रीय पार्टियां रही है उनका उदय ही केवल जातिपात पे हुआ है, मैं मानता हूँ कि जो लोग पिछड़े हैं जो पतित हैं उनको सपोर्ट ज्यादा मिलना चाहिए, लेकिन केवल इस चीज के लिए नहीं कि आप नाम लेके सरकार बना लीजिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अधिकारों का होना चाहिए, सम्मान का होना चाहिए, प्रतिभा का होना चाहिए, सबका बराबर का अधिकार है, तो इन आइडियोलॉजी को कहां आप लोग मान रहे हो सर, मैं सारे राजनेताओं से बोलता हूं तो उसमें क्या, अगर मैं बोलता हूं भारत की धरती पर
आप ये देखिए क्यों आप उस तरीके के झंडे को या ऐसे विवादास्पद, आप अगर बुद्धिजीवी हैं तो आपको तो सावधान रहना चाहिए मन से, कर्म से और वचन से, कि भूल से भी ऐसी चीज ना हो। डॉक्टर वंदना।